धर्मशाला विधानसभा के बाहर खालिस्तान के झंडे फहराने को लेकर प्रदेश भाजपा महामंत्री राकेश जम्वाल ने इस दुर्घटना पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच की जानी चाहिए। मामले को लेकर प्रदेश पुलिस ने SIT का गठन कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय राज्य है और इस प्रकार के दुस्साहस को सहन नहीं किया जाएगा। ऐसी घटना का पता चला है कि धर्मशाला विधानसभा के गेट पर और गेट से बाहर जो है खालिस्तान के झंडे लगाए गए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की घटना ये अपने आप में एक चिंता का विषय है और जिस प्रकार से पंजाब में पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि खालिस्तान को लेकर वहाँ पर भी इस प्रकार की कई गतिविधियाँ हुई है, झंडे लहराए गए हैं, कुछ यात्राएं निकाली गई हैं। पंजाब में तो हमने सुना था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी इस प्रकार की घटना ये अपने आप में चिंतनीय है और निश्चित तौर पर सरकार इसके बारे में संज्ञान लेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर आदेश करेंगे कि इसकी जाँच होगी और जो भी दोषी इस सारे प्रकरण में पाए जाएंगे उनके खिलाफ़ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। SIT का गठन कर दिया गया है, मुझे लगता है कि उसमें सारी रिपोर्ट जो है, जांच जो है सामने आ जाएगी। उसके बाद जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है। यहाँ इस प्रकार की घटनाएं होना अपने आप में एक आश्चर्यजनक है और निश्चित तौर पर सरकार इसमें कड़ा संज्ञान लेगी। हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय स्टेट है, देवभूमि है और कुछ अराजक तत्वों द्वारा यहाँ पे माहौल ख़राब करने की साजिश की जा रही है। पहले भी धमकी दी गई कि खालिस्तान का झंडा इस मैदान पे लहराया जाएगा, अब विधानसभा परिसर में जो धर्मशाला में स्थित है वहाँ खालिस्तान के झंडे लगाए गए, मंडी में भी कुछ लोगों के स्कूटर और बाइक्स पे खालिस्तान के झंडे देखे गए। यह प्रकरण एक सोची समझी साजिश है हिमाचल प्रदेश के शांति प्रिय माहौल को भंग करने के लिए। हम पुलिस प्रशासन से, सरकार से कड़ी मांग करते हैं कि जो व्यक्ति इन चीज़ों में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हिमाचल प्रदेश की और भारतवर्ष की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए प्रत्येक वासी चट्टान की तरह जो है वो सरकारों के साथ खड़ा है। यदि इस प्रकार ये अराजक तत्व चाहते हैं कि वो माहौल बिगाड़ने की साजिश करेंगे तो वो कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। इस विपरीत परिस्थितियों में हरेक जन जो है वो इनके साथ खड़ा हुआ है और हम सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग करते हैं। पिछले दिनों यह भी आया कि आपके एक मीडिया प्रभारी थे, उन्होंने ट्वीट किया खालिस्तान के नाम पर। जो ये अराजक तत्व हिमाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश करते हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग जो है 1% भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सारे हिमाचल प्रदेश की जनता इस जो ये कार्यकलाप हुआ उसके खिलाफ खड़ी है। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।